बच्चों, आपने इसके पूर्व के क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ को आपने अच्छा से समझा है। अब हम इन ग्राफ की सहायता से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF क्या होता है इसको समझेंगे। तो बच्चों, आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ को सामने रखते हुए सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को समझ सकेंगे। तो देखिए बच्चों, मुख्य मान का परिभाषा क्या होता है, ITF का मुख्य मान, ITF का मुख्य मान। तो हम सबसे पहले इनकी परिभाषा को ही समझ लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होगा उसे ही मुख्य मान कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको ITF की सारणी देखना होगा। इसके लिए आपको ITF सारणी देखना होगा जिसमें जो परिसर है या जिसको हम कहते हैं रेंज, मुख्यतः इसे ही देखना है, मुख्य रूप से इसी में ही मुख्य मान निहित होगा। अब बच्चों, मैं फिर भी, आप ये ITF टेबल को देखें और मैं उसके केवल जो रेंज है अर्थात परिसर है उसको मैं दोहरा देता हूं। आप स्क्रीन पे देखें, सारणी आपको दिख रहा होगा, इस सारणी से फलन और उसका रेंज, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, अब इसका रेंज क्या है आप देखें सारणी पे, इन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, राइट। तो इसका मतलब है इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो मुख्य मान है इसी के अंतर्गत होगा, यानी -π/2 से लेकर π/2 के तक। ठीक इसी प्रकार से हम कॉस इनवर्स एक्स का रेंज देखिए आप टेबल पे, ये इन क्लोज इंटरवल 0 to π है, अर्थात कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to π। कोसेक इनवर्स एक्स, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, आप स्क्रीन पे देखें, कोसेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0, यानी इसके अंतर्गत 0 को छोड़कर। ठीक इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to π -π/2, अर्थात ये जो कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है उसमें सब π/2 को छोड़ दीजिए तो आपको सेक इनवर्स एक्स का रेंज मिल जाता है जिसमें इसका मुख्य मान निहित होता है। ठीक इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 और कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है
इन ओपन इंटरवल 0 to π, मतलब जब हम मुख्य मान निकालेंगे तो इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए आपको कोई प्रश्न हल करने दिया जा रहा है और यदि प्रश्न में कोई भी शाखा का उल्लेख नहीं है तब हमें फलन का मुख्य मान यानि मुख्य मान शाखा यानी ग्राफ में जो मुख्य मान शाखा होता है उससे ही ज्ञात करना है, उसके अंतर्गत जो मान आएंगे उसे ही ज्ञात करना है। तो बच्चों हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे पूर्व में बताया जा चुका है आपको कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है, कुछ फलन जो है पहला और चौथा चतुर्थांश में होता है और कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान जो है पहला और दूसरा में निहित होता है। तो हम क्रमशः इनको एक एक करके समझते हैं। अब जैसे प्रश्न है, प्रश्न में उल्लेखित है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और ये मान लीजिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, सेकंड ले लेते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 2 और थर्ड ले लेते हैं टेन इनवर्स ऑफ -1। अब इसको समझते हैं बच्चों, जैसे इन तीनों को हम क्रमशः समझते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने ये तीनों क्यों चुना है। सबसे पहले तो जैसे हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वास्तव में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है क्या देता है। तो हमें कोण देता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमें कोण देता है। तो मान लीजिए, माना कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर समझना बच्चों कि आपने जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित किया था तो आपने ये देखा था त्रिकोणमिति फलन अपने प्रांत के अलग अलग अंतराल में एकाएकी आच्छादक होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिलोम भी एकाएकी आच्छादक होगा। इसका मतलब है कि ये जो है एकाएकी आच्छादक है, ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको, क्योंकि ITF एकाएकी आच्छादक होता है, एकाएकी आच्छादक होता है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं बच्चों कि साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/√2। यहां पर जो कॉन्सेप्ट उसको समझना है आपको, यदि हम साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को y माने हैं तो साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/√2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एकाएकी आच्छादक होता है। अब बच्चों हमको तो निकालना है साइन इनवर्स 1/√2, मतलब y निकालना है। इसका मतलब आपको साइन इनवर्स फंक्शन का परिसर जानना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स फंक्शन का परिसर क्या होता है ये आपको समझना है बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन इनवर्स फलन का परिसर। अब आप टेबल पे ध्यान देंगे, उसका परिसर होता है इनक्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ये होता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 और साइन इनवर्स यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू वाई लिए हैं। इसका मतलब वाई का मान इसके अंतर्गत आना चाहिए। हम इसी को समझ सकते हैं कि हमारा y जो है इस अंतराल में
प्राप्त होना चाहिए, उस मान को लेंगे। तो इतनी बात आपको समझने हैं, और ये जो है हम टेबल से याद रख लेंगे। अब बच्चों इसको देखिए, यहाँ तक समझने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो 1/√2 है, 1/√2 कितने रेडियन का साइन है जो इसके अंतर्गत आता है। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं बच्चों, साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4। समझ लें बच्चों इसको, 1/√2 कितने का साइन है, साइन पाई बाई 4। केवल साइन पाई बाई 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इस अंतराल को बिलोंग करता है, यही बात आपको समझना है। तब आप लिख सकेंगे देयर एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 विच बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। देयर फोर हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू वाई, मीन्स y का मान आपने क्या निकाला, पाई बाई 4। तो इस प्रकार से साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पाई बाई 4 होगा। अब हम दूसरा लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2। चलिए सेम इसी प्रकार से प्रक्रिया है, आपको समझना है। मान लेते हैं कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई, देन कोसेक ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों ये ध्यान रखिए, सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। कोसेक इनवर्स फंक्शन एकैकी तथा आच्छादक होता है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कोसेक वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों अब क्या याद रखना पड़ेगा, कोसेक इनवर्स फंक्शन का परिसर याद रखना पड़ेगा। तो होता क्या है, इसका परिसर लिखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का परिसर। इसलिए मैंने इसके पूर्व में टेबल आपको नोट कराया है कि इसमें सारे ITF के परिसर को याद रखना है। तो इसका परिसर जो होता है इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस इसमें जीरो को छोड़कर, इसके अंतर्गत जो जीरो आएगा उसको छोड़कर बाकी इसका परिसर के अंतर्गत आता है, और इसी में हमको मुख्य मान मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब, कोसेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इन क्लोज इंटरवल माइनस 0, यानी वाई बिलोंग्स टू दिस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से बॉक्स में इंडिकेट कर देता हूँ। इतना बात कॉन्सेप्ट ग्रुप में आप समझेंगे और देन लिखेंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है कि 2 कितने का कोसेक का मान है जो इसके अंतर्गत आता है। तो देयर एम्प्लाइज लिख सकते हैं कोसेक ऑफ वाई इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6। कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30 अंश का मान है। आप ये भी ध्यान रखें बच्चों, आप छोटी क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पर आपको देखना है कि पाई बाई 6 इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीरो को छोड़कर जीरो तो है ही नहीं। अब ये पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है कि नहीं, आप ध्यान रखेंगे है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू पाई बाई 6 जो इस अंतराल के अंतर्गत
आ रहा है, विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि कोसेक इनवर्स ऑफ टू इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, दिस इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य मान होगा इस फंक्शन का। ठीक है, इसी प्रकार से हम थर्ड लेते हैं, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, तो यहां पर भी हम ले लेते हैं, माना कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वाई। तो सेम बात, चूंकि ये एकाकी तथा आच्छादक है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या याद रखना है, टेन इनवर्स का परिसर। तो टेन इनवर्स फलन का परिसर इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहां पर भी लिख देता हूं, ये लिखना भी चाहिए, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का परिसर बराबर इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यानि वाई जो हम माने हैं, वाई मतलब ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इन ओपन इंटरवल होना चाहिए। तो ये हमको बच्चों याद रखना है। तो चलिए, चूंकि ये एकाकी आच्छादक है इसलिए टेन वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब अपने खोजना है कि माइनस वन कितने का टेन है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन जो है टेन पाई बाई फोर के का मान है, टेन पाई बाई फोर का मान वन होता है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर, अब इस अंतराल जो है यानी टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज है परिसर है उसको हमको देखना है, तो हम उसमें लेने के लिए क्या करते, देखिए हम इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर। बच्चों यहां पर क्या ध्यान रखना है कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं सिंस टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो टेन वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर। अब माइनस पाई बाई फोर यानी माइनस पैंतालीस अंश, इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, यदि इसके अंतर्गत आता है तो आप लिख सकते हो, देख लीजिए आ रहा है, इसका जो है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच के सारे मान, यानी माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को छोड़कर बीच के सारे मान इसका यानी टेन इनवर्स एक्स का परिसर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं वाई यानी क्या है बच्चों टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। तो मुख्य मान निकालने के लिए किसका ध्यान रखा जा रहा है बच्चों, परिसर का। तो जिस भी आईटीएफ का परिसर मुख्य मान पूछा जा रहा है उसका परिसर को आपको ध्यान रखना है और मान निकालना है बच्चों। ठीक है, यदि हम तीनों को गौर से देखें, आप देखें ये जो है पाई बाई फोर कहाँ आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है ये, सेकंड वाला पाई बाई सिक्स मतलब पाई बाई सिक्स रेडियन मतलब थर्टी डिग्री तीस अंश, ये भी फर्स्ट में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, क्योंकि माइनस है टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, ठीक है माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर कहाँ आएगा, चौथे चतुर्थांश में। तो ये तीनों जो है
ठीक है, ये चौथे चतुर्थांश में, पहले में, पहले में। तो हमने ये तीनों एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्या कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स जो है या तो वो पहले चतुर्थांश में होगा या चौथे चतुर्थांश में होगा। तो डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। मैं ये जो तीनों सवाल बताए हूँ उसका ये डायग्राम आप याद रखें। बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये जो है जीरो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये पाई। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है इसके अंतर्गत है। इसमें ये दोनों चतुर्थांश में आने वाले जो हैं वो साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों जो है ये दोनों चतुर्थांश के अंतर्गत मान देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं।